अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे साथ दादा हयात कलंदर दरगाह के सदराजा नशीन मौजूद है। गादी नशीनी का सिलसिला हमारे खानदान से होते आ रहा है। अच्छा, मतलब के बाद में बड़ा बेटा तो 651 हिजरी से समझो दादा के पास से, तो आज तक के हम लोग ये आठवीं नौवीं पीढ़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब सबसे पहले आपके कौन थे? हमारे परदादा थे, आइनुद्दीन, शमशुद्दीन, हमारी पूरी ऐसी घूमती आ रही है। अच्छा जी। तो आज मैं हूँ शमशुद्दीन। माशाल्लाह। 751 मैंने समझ लो आज से 4 साल हो गए हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा। 4-5 साल हो गए उसके जब से हम लोग मैं गद्दी नशीन। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। उसका ट्रस्ट भी है। अच्छा। ऑफिस है। और इसका उर्स कब कब रहता है? 22 जमादुस्सानी। जमादुस्सानी रहता है उर्स। उर्स मनाया जाता है 3 दिन। बहुत पब्लिक दूर दूर से आती है, बाहर देश से भी आती है। हाँ, 3 दिन खाना बनता है। अच्छा अच्छा। और लंगर वगैरह भी रहता है, और उसके बाद में तबरुक वगैरह भी पड़ता है। अच्छा माशाल्लाह। बातें वगैरह होती बहुत दूर। ये हाथ से लिखाई है इसकी? हाँ, हाथ की लिखाई है। माशाल्लाह। ये गादी का, दादा की गादी है ये। माशाल्लाह। ये तो ये दादा साथ लाए थे अपने? दादा साथ लाए थे। तो मोहे मुबारक है, वो कब ज़ियारत कराते? नबी में ईद के दिन दिखला जाते। अच्छा, ईद मिलाद नबी में। हाँ, तो फातिहा वगैरह होती है, उसकी ज़ियारत कराई जाती है। तो जिसे देखना हो ईद मिलाद नबी मौके पर ज़ियारत करने के लिए आ जाए। आ जाए। ठीक है, ठीक है। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से तशरीफ लाए? बेंगलोर से। तो आप यहाँ पहली बार आए या? नहीं, मैं 2.5 साल से कोशिश कर रहा था, अभी आके पहुँचाएगा।